दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक एनर्जी के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने जाना कि एनर्जी क्या होता है, फिर उसके 2 टाइप के बारे में हमने जाना, जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अब हम तीसरे टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो ये कोई अलग टाइप की एनर्जी है नहीं, ये डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, ये जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पोसेसेड बाय द कंपोनेंट ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी को समझें और बेहतरीन तरीके से, तो हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी स्थिर अवस्था में पाई जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्थिर अवस्था में है, तो उस केस में जो कि पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो वस्तु जो मूवमेंट कर रहा है, मतलब कोई वस्तु अगर पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में, मतलब मोशन किया तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वो वस्तु जो स्थिर अवस्था में है और साथ ही साथ मूवमेंट भी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी है जो कि जनरेट होती है। तो इसीलिए जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। मैकेनिकल एनर्जी को हम ME से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है, ME इज इक्वल टू KE प्लस PE। यहाँ पे जो ME है वो मैकेनिकल एनर्जी है, KE जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और PE जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो जो मैकेनिकल एनर्जी का SI यूनिट होता है, वो होता है जूल। और इसकी क्वांटिटी की बात करें अगर हम, कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी का डायमेंशन यूनिट क्या होता है, वो होता है M1L2T-2। अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल की, तो वाटर, विंड, हैमर, साइकिलिंग, ये सभी है जो कि इसके एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाउ टू फाइंड मैकेनिकल एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम बेसिकली फार्मूले की अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो जो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होता है, वो होता है KE प्लस PE, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है जो कि क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी जब एक दूसरे से मिलते हैं, या इनका जो सम होता है, उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका फार्मूला होता है ME इक्वल टू KE प्लस PE, और KE का जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका फार्मूला होता है हाफ MV स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो MGH। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी मास, वेलोसिटी, ग्रेविटी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी को पहचान सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे होता है या किस वस्तु में लगता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मतलब उसके अंदर वेलोसिटी है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है, तो इससे भी हम पहचान लेंगे कि वो मैकेनिकल एनर्जी है। साथ ही साथ उसके अंदर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बराबर ग्रेविटी भी उसके अंदर लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो कि MGH, इसमें भी ग्रेविटी है जो कि काम कर रहा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, और जमीन से ऊपरी सतह पर कोई ना कोई हाइट होगी, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ भी लगता है जब कोई वस्तु है जो कि कुछ हाइट पे होती है और स्थिर अवस्था में होती है। तो बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो मास, वेलोसिटी और ग्रेविटी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में यही जाना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसके SI यूनिट और फार्मूले, और ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये सभी चीज़ें हमने जाना। आई होप आपको मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आल के घंटे को दबाना ना भूलें।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।